हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। अभी हम लोग तीन स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और ये सारा एनालिसिस ओपन प्रेस डेटा के ऊपर बेस्ड होगा और ये हम लोग इंट्राडे के लिए एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस में हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, स्टॉक का ऑप्शन चेन देखेंगे और उस लेवल को देखेंगे, रेंज को देखेंगे, किस लेवल के बाद यह बुलिश होगा, किस लेवल के नीचे अगर गया तो यह बेयरिश हो जाएगा और इसका रेंज क्या होगा। जनरली जो रेंज होगा इस स्टॉक का उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग उसके ट्रेंड साइकिल को भी चेक करेंगे और डिस्कस करने के फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस ट्रेंड में यह स्टॉक है। ठीक है, ट्रेंड डिपेंड करता है, अगर वो अच्छे ट्रेंड में है तो उतनी तेज़ी से टारगेट की तरफ वह स्टॉक पहुंचेगा, और थोड़ा सा अगर मिक्स ट्रेंड रहता है तो टारगेट धीरे धीरे करके स्लो स्लो करके जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले स्टॉक के साथ। और पहला स्टॉक हमारे सामने है और यहाँ पे देख सकते हैं आप वो ये ऑप्शन चेन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे सामने है और देख सकते हैं कि इस जगह आपको ये आपको दिखेगा इस लेवल पे 2400 का स्ट्राइक प्राइस है और इस लेवल पे हमें बहुत ही अच्छे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं और इस लेवल पे बहुत अच्छे कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। तो ये एक तरह से ऑप्शन चेन का बिल्डअप है और स्टॉक है एम्फेसिस का। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस लेवल के बाद बुलिश होगा और किस लेवल पे बेयरिश होगा। तो ये लेवल आपके सामने है बुलिश का, ये अगर एम्फेसिस अगर 2433 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो इस लेवल के बाद हमें इस जगह शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, इस लेवल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी देखने को तो हमें इसमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल जाएगा। तो वो लेवल है 2433, एक तरह से बोले तो ये ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के बाद। अगर हम बोले कि किस लेवल के नीचे ये बेयरिश होगा तो वह लेवल है आपका 2370 के नीचे अगर फिसलेगा तो इसमें हम लोग बेयरिश मूव देख सकते हैं और जब इसके नीचे जाएगा तो कॉल राइटर्स और हावी हो जाएंगे इस जगह पे और क्या होगा आपके पुट राइटर्स के बीच थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एक तरह से इस पर ब्रेक डाउन आ जाएगा तो ये इसके नीचे बेयरिश हो जाएगा, इस लेवल के नीचे बेयरिश हो जाएगा। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर बुलिश होता है या बेयरिश होता है तो किस लेवल तक ये जा सकता है। तो उसके लिए रेंज है, ये आपके सामने रेंज आ गया, तो रेंज आप देख सकते हैं 2320 और 2494 की तरफ जा सकता है। यह कल का ट्रेडिंग रेंज रहेगा एम्फेसिस का 2320 और 2490 के बीच में ये आपका रह सकता है, तो ये एम्फेसिस का ट्रेडिंग रेंज रहेगा। अब अगर हम बात करें कि एम्फेसिस की ट्रेंड साइकिल क्या है तो पिछले 4-5 दिनों का ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो लॉन्ग हुआ है, साउथ कवर हुआ है और साउथ हुआ है, लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग हुआ है, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप इस पर देखने को मिल रहा है। तो यह एक ट्रेंड बता रहा है कि तो अभी इसके ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन यह बुलिश कब हो जाएगा जब हमारे लेवल को क्रॉस करेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए, ये एम्फेसिस के बारे में एनालिसिस था ऑप्शन ओपन ट्रेस्ट के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में एनालिसिस के लिए। तो हमारे सामने दूसरा स्टॉक आ गया, अगेन इस स्टॉक का हमारे सामने ऑप्शन चेन रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे और इस जगह देख सकते हैं करीब 5.75 लाख का कॉल राइटर्स इस जगह खड़े हैं और इसके बाद भी कॉल राइटर्स हमें इस लेवल के तरफ खड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारे लिए यह स्टॉक है। अब देखते हैं कि किस लेवल के बाद इस पर एक ब्रेकआउट, बढ़िया सा ब्रेकआउट आ सकता है। तो अगर बात करें तो वह लेवल होगा 1620 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें इस पर बढ़िया सा रन देखने को मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से रन देखने को मिलेगा। तो यह लेवल हमारे लिए ब्रेकआउट का लेवल होगा। मुथूट फिनांस इसके ऊपर निकलेगा तो इस जगह से कॉल वाले जो होंगे अपने पोजीशन को अनवाइंड करना शुरू करेंगे और पोजीशन को छोड़ के भागेंगे,
तो यहाँ साउथ कवर हमें देखने को मिलेगा, और साउथ कवरिंग क्या हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रन हमें दे सकती है। तो आगे अगर बात करें कि बेयरिश किस लेवल के नीचे हो जाएगा, तो ये बेयरिश हो जाएगा 1581 के नीचे, ये 1581 के नीचे बेयरिश हो जाएगा, और इसके नीचे रहा तो अगर कॉल रहे तो रसावी हो जाएंगे और पुट साइड में साउथ कवरिंग होने लगेगी, अनवाइंडिंग होगी, तो ये आपका ब्रेक डाउन इस लेवल के नीचे हो जाएगा। तो रेंज क्या होगा अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, तो ये रेंज जो हमारे सामने दिख रहा है ये रेंज होगा 1560 का, 1516 से 1653 का, इस रेंज के बीच ये मुथूट फिनांस मूव कर सकता है अगर किसी भी साइड ये रेंज को ब्रेक करता है। अगर इस रेंज के बीचों बीच रहता है, इस रेंज के बीचों बीच ट्रेड करते रहता है, तो इस रेंज में ही रहेगा, कहीं भी ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं इसका ट्रेंड साइकिल क्या कहता है। ट्रेंड साइकिल देखेंगे तो साउथ कवर लॉन्ग अनवाइंडिंग साउथ और लॉन्ग। देखिए पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इस पर कन्फ्यूज है मार्केट, इस पर कन्फ्यूज है, क्या करना है उसे समझ नहीं आ रहा है। कभी शॉर्ट कवर हुआ है, कभी लॉन्ग हुआ है, कभी शॉर्ट हुआ है, कभी फिर लॉन्ग हुआ है। तो एक हमें ट्रेंडिंग मूव चाहिए इस पर अच्छा मूव देखने के लिए, और वो ट्रेंडिंग मूव इसके ऊपर या इसके नीचे मिलेगा, इसके ऊपर या इसके नीचे मिलेगा। और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता है तब तक इस रेंज के भीतर ही ये मूव करता रहेगा, तो वेट करें इस रेंज को ब्रेक करने का, और उसके बाद एक अच्छा मूव हमें नया ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। चलिए अब हमारे सामने आएगा हमारा तीसरा स्टॉक जिसका भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे, लेवल्स को देखेंगे। और देखिए ये ज़रूरी है कि आप इन सब लेवल्स को नोट कर लें, और अपने चार्ट पे ड्रॉ करना है तो उसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। तो हमारे सामने जो स्टॉक है वह एक बैंकिंग स्टॉक है, वो आ गया आपको दिखेगा ह्यूज, यहाँ इस जगह पे कॉल राइटर्स खड़े हैं, 780 का स्ट्राइक है, 770 और 760 का स्ट्राइक है। और फिर से इसके लेवल की बात करेंगे तो ब्रेकआउट का जो लेवल होगा वो 761 का लेवल होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो हमें अच्छा बुल पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को इसके ऊपर निकला तो हमें मिल सकता है इंट्राडे में। और इसके ऊपर निकलेगा तो हमें इस जगह से काफ़ी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो इसको आगे की तरफ लेके जा सकती है, तो इस लेवल को आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे की बात करें बेयरिश कब होगा, तो यह स्टॉक बेयरिश आपका 740 के नीचे जाएगा तो बेयरिश हो जाएगा, अगर इसके नीचे गया तो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा पुट साइड में, जो एक तरह से ब्रेकडाउन कर देगी और तब यह स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो रेंज क्या होगा उसके बात करें, तो रेंज आपका होगा ये 728 से 773 तक का रेंज हो सकता है कल के लिए एक्सिस बैंक में, तो इस रेंज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये रेंज को ब्रेक करेगा तो ऊपर में पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा, नीचे ब्रेक किया तो नीचे में नेगेटिव मूव देखने को मिलेगा, अगर रेंज नहीं ब्रेक किया तो रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। और इसका भी अगर हम लोग ट्रेंड साइकिल देखें तो लॉन्ग हुआ है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, शॉर्ट हुआ है, लॉन्ग हुआ है, तो एक तरह से इस पर भी करीब करीब मिक्स ट्रेंड साइकिल है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग में ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो अच्छा खासा वो अपसाइड का ट्रेंडिंग मूव हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बोले कि बेयरिश मूव कहाँ हो जाएगा, तो इसके नीचे निकला तब हमें बेयरिश मूव देखने को मिल जाएगा इस बैंक के ऊपर, एक्सिस बैंक के ऊपर। तो ये तीन स्टॉक्स हैं जो हमारे कल के लिए इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे, तो आप भी इनको अपने रडार पे रखिए, अपने लिस्ट में रख लीजिए, अपने चार्ट के लेवल ड्रॉ करना है तो कर लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। और ये ओवरऑल एनालिसिस है। अगर ये इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।